अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हैं। जी जनाब, पाकिस्तान रेलवे की कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं। जी, उन्होंने ट्रेन बहाली का ऐलान कर दिया है। कौन सी डेट दी है वो भी आपको बताएंगे। दो तीन अपडेट्स हो रहे हैं वो भी आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे। एंड कुछ ट्रेनों के जो है औकातकार जो है शेड्यूल चेंज हुआ है, कुछ स्टॉप क्लोज कर दिए हैं, कुछ स्टॉप जो है बहाल कर दिए गए, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। चलते हैं जी, आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का। एंड सबसे पहले बात रही जी, जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी, जिनके पैसे फंसे हुए थे, उनके लिए खुशखबरी है जनाब, आप लोग अपने पैसे हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी अपडेट्स ये है जी, रेलवे ने 1 अक्टूबर से ऐलान कर दिया है जी, तमाम ट्रेनें बहाल कर दी जाएंगी। एंड 15 अक्टूबर से शालीमार एक्सप्रेस जो ब्रास्ता फैसलाबाद मुल्तान जा रही थी, वो साहिवाल खानेवाल जाया करेगी। और एंड जो कराची का स्टॉप है लांडी का और ड्रिग रोड का, वो ख़त्म कर दिया गया है शालीमार एक्सप्रेस के लिए। दूसरी अपडेट आपके लिए यह है जी, कराक्रम एक्सप्रेस कराची से और लाहौर से बेक वक्त 3 बजे निकला करेंगी। एंड उसका बहावलपुर का स्टॉप जो है वो बहावलपुर का स्टॉप जो है उसका बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान एक्सप्रेस की अपडेट है जी, जो कराची से निकलती थी 1 बजे, वो निकलेगी 2:30 बजे, 2:30 पर निकलेगी कराची से रावलपिंडी के लिए 45 अप। एंड अल्लामा इकबाल की अपडेट है जनाब, वो निकलेगी कराची से 3:30 बजे, 3:30 के लिए कराची से अल्लामा इकबाल निकलेगी सियालकोट के लिए। एंड कराकरम निकलेगी 3 बजे, और उसके बाद जो है एक और था पाक बिजनेस एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस को वाया जहानिया कर दिया गया है, ठीक है, वो वाया जहानिया जाएगी। और रावल एक्सप्रेस का जो है चकलाला का स्टॉप ख़त्म कर दिया गया है। उम्मीद है जनाब 15 तारीख से पहले पहले ट्रेनें बहाल कर दी जाएं। रेलवे ने तो 1 तारीख की डेट दे दी है, 1 अक्टूबर से ट्रेनें बहाल हो जाएंगी। एंड दो जो नई रेल कार चलाई हैं, अच्छा रिस्पांस उनका मिल रहा है, एक शाम को चल रही है, एक सुबह को चल रही है, अच्छा रिस्पांस है रावलपिंडी से लाहौर का। लेकिन मैं कहता हूँ कि रावलपिंडी से रोड़ी तक के लिए कुछ ट्रेनें और चलानी चाहिए, जैसे रहमान बाबा और खैबर मैन चल रही है, इस तरह इनको चाहिए कि तेज़गाम को चला दें और पाकिस्तान एक्सप्रेस को चला दें, लाला मूसा से मिलत को चला दें, काफ़ी सारे मुसाफरों को सहूलत हो जाएगी। काफ़ी सारे मुसाफिर जो हैं इस वक्त फंसे हुए हैं, जो बसों पे सफ़र नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ मज़दूर होते हैं, कुछ ज़यीफ़ होते हैं, कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जो बसों पे सफ़र नहीं कर सकते, कुछ के साथ फैमिली के साथ बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है फंसे हुए हैं। एंड उम्मीद है जल्द अज जल्द जो है ये ट्रेन बहाली ऑपरेशन कामयाब होगा, बहुत जल्द कामयाब होगा। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग को पसंद करने के लिए। इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह।